बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक रिपेयरिंग। बेसिक रिपेयरिंग होती है जो एक छोटे से टांका, चार्जिंग पिन, माइक, स्पीकर, रिंगर, डिस्प्ले चेंज, कनेक्टर, इन सब चीजों पर सीमित रहती है, इसे हम लोग बेसिक रिपेयरिंग बोलते हैं। बेसिक रिपेयरिंग करने के लिए सबसे पहली बात क्या है, आपके पास सोल्डिंग आयरन होनी चाहिए। ये जो सोल्डिंग आयरन होनी चाहिए ये तुम्हारी 25 वॉट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? सोल्डिंग आयरन होनी चाहिए 25 वॉट, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके पास होनी चाहिए चिमटी। रेती, टीवी, फ्लक्स पेस्ट, वो टीवी वाला फ्लक्स पेस्ट आता ही है, ये जंपर लगाने के लिए, टाका का लगाने के लिए, ये सबसे बहुत अच्छा पेस्ट है। उसके बाद सोल्डर वायर, मल्टीमीटर, जम्पर, जम्पर वायर, ओपनर, फोन खोलने वाले ओपनर आते हैं, ब्लेड, सर्जिकल ब्लेड 11 नंबर, ये हमारे पास इतना सारा सामान होना चाहिए बेसिकली हमको जनरली रिपेयरिंग करने के लिए। जब इतना सारा रिपेयरिंग हो जाएगा तो हम ये पहली तरीके रिपेयरिंग करते हैं जिसको हम लोग बेसिक रिपेयरिंग करते हैं। उसके बाद अगर हमको इसी रिपेयरिंग में से अगर हमको डिस्प्ले की रिपेयरिंग के फील्ड में जाना है, किसमें जाना है? डिस्प्ले रिपेयरिंग फील्ड में जाना है, तो डिस्प्ले रिपेयरिंग फील्ड में जाने के लिए सबसे पहली बात तो हमको चाहिए सेपरेटर। क्या होना चाहिए? सबसे पहली चीज सेपरेटर होने के बाद हमारे पास होना चाहिए कटिंग वायर। तीसरी चीज होनी चाहिए पोलराइज आयरन, जिसे हम पोलराइज पिन बताते हैं, वो हमारे पास आयरन होनी चाहिए। ग्लू पेस्ट, जिससे आप काम को चिपकाते हैं। ग्लू रिमूवर, जिससे ग्लू से हम साफ करते हैं। हाँ, उसके बाद आता है ग्लू रिमूवर, मोटर, एक ग्लू रिमूवर मोटर आती है जिससे हम लोग क्या करते हैं, ओसीओ को क्या करते हैं, हम लोग साफ करते हैं, साफ करते हैं। और हमारे पास होना चाहिए बबल रिमूवर। क्या होना चाहिए? जिससे हम लोग क्या करते हैं, बबल्स वगैरह
निकालते हैं जी। तो पहले क्या होना चाहिए, सेपरेटर, कटिंग पैन, पोलराइज आयरन, ग्लू रिमूवर पेस्ट, ग्लू रिमूवर और ग्लू रिमूवर मोटर, बबल रिमूवर। बबल रिमूवर भैया कहीं जो वही होता है जिसके अंदर तुम डाल करके बटन दबाते हो सिलेंडर से हवा आती है, भर जाता है, दबाव होता है, वो बबल रिमूवर होता है। बबल रिमूवर, उसके बाद आता है सेलकोन। सेलकोन एक स्प्रे आता है जिससे जब हम ओसी लगाते हैं तो बिल्कुल डस्ट पार्टिकल सब हटा देता है, जितने भी सारे डस्ट होते हैं सारे डस्ट को रिमूव कर देता है सेलकोन को स्प्रे। उसके बाद आपके पास होना चाहिए प्लास्टिक ओपनर। क्या होना चाहिए? प्लास्टिक ओपनर। जब आपके पास प्लास्टिक ओपनर होंगे तो क्या करेंगे आप उसको प्लास्टिक से पूरी एलसीडी खोलेंगे। कभी भी एलसीडी को खोलने के लिए अपने दिमाग में सेट कर लीजिए आपको लोहे के चिमटी उपकरण इक्विपमेंट इसका इस्तेमाल नहीं करना, ठीक। आपको डिस्प्ले रिपेयरिंग करने के लिए इतना सामान चाहिए, ठीक है। अब डिस्प्ले रिपेयरिंग के बाद अब अगली बारी आती है हमारे पास आईसी रिपेयरिंग की। आईसी रिपेयरिंग का मतलब होता है यदि हम आईसीओ में काम करना चाहते हैं, आईसीओ में काम करने के लिए सबसे पहली चीज तो हमारे पास होना चाहिए जिससे आप आईसीओ की बॉल को बनाते हैं। ये पीपीडी जो पेस्ट होते हैं ये दो तरीके के आते हैं, एक 38 डिग्री का आता है, एक 38 डिग्री का आता है, 8 डिग्री का आता है, एक 38 का आता है। अब जो 138 डिग्री वाला पीपीडी होता है वो समथिंग 350 रुपए मिलता है जाकर के, सेम उतना ही वजन का। और अगर आप 183 वाला लेने जाते हैं तो ये 800 रुपए मिल जाता है। इसमें डबल ग्रेड का डिफरेंट हो जाता है। डबल ग्रेड के डिफरेंट में ये रहता है कि ये 138 इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका ये बहुत महीन बारीक होता है। जब जितना महीन बारीक होता है तो उतना पेस्ट क्या होता है, पतला होता है। जितना पेस्ट पतला होगा तो उतना क्या होगा, बहुत कम हीट देंगे तब भी पिघल जाएगा। और 138 पीपीडी जो होता है अगर इसको तुम 250 टेम्परेचर पे 200 टेम्परेचर पे आईसी को रिवोल्व करोगे तब भी आईसी रिवोल्व हो जाएगी और लग भी जाएगी। लेकिन 183 वाला है तो इसको कम से कम तुमको टेम्परेचर देना पड़ेगा 350 के ऊपर, 400 में टेम्परेचर देंगे तब आईसी तुम्हारी लगेगी। इससे हमको ये नुकसान या फायदा ये रहता है कि अगर हम ज्यादा हीटिंग कर देंगे तो आईसी हमारी खुद ही जल जाती है, फूक जाती है, काम करना बंद कर देती। लेकिन कम टेम्परेचर में जो हम निकालेंगे तो हमारी पिघलेगी नहीं, आराम से लग जाएगी। इस पीपीडी का इस्तेमाल करने से आप चार्जिंग जैक को हॉटगन से भी लगा सकते हो। अगर चार्जिंग जैक को हॉटगन से लगाओगे तो देखो चार्जिंग जैक जो हम मदरबोर्ड में लगाते हैं तो वो कैसे लगता है, रांगे के सहारे पकड़ देता है। तो जब रांगे के सहारे पकड़ करता है लेकिन रांगे का टेम्परेचर जो हमने कम वाला ले रखा है तो हमको 200 टेम्परेचर पर निकल जाएगा। तो 200 टेम्परेचर में जब चार्जिंग जैक को हीट मारोगे तो उसको पिघलने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो जब उसको पिघलने के चांसेस कम हो जाएंगे लेकिन रांगा पिघल जाएगा। और हमारा काम है रांगे को ढीला करना। रांगा ढीला हो जाएगा जैक पकड़ लेगा, रांगा ढीला नहीं होगा तो जैक पकड़ेगा नहीं, है ना।
तो हम लोग 138 वाला पीपीटी का इस्तेमाल करेंगे जो हमारे चाइना के आईसीयू का काम करेंगे। अभी हम कोई भी आईसीयू उतार के लगाएंगे क्या हमारी आईसीयू नहीं चलती, इसलिए आईसीयू नहीं चलती क्योंकि हमने जो पीपीटी ले रखा है उसका टेम्परेचर ज्यादा है। हम अभी इसलिए करते हैं क्योंकि हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, प्रैक्टिकल करते समय इसलिए कि दो चार खराब भी होंगे। जब हम अपना इन फ्यूचर जब काम करेंगे अपना पर्सनल यूज करने के लिए काम करेंगे तो फिर ये वाला लेंगे ताकि हम जो आईसीयू एक बार में रिकॉल हो, एक बार में आईसीयू अच्छे से हमारी सेट हो जाए। ये पीपीटी की बात रही, पीपीटी के बाद फिर हमारे पास होना चाहिए ब्लेड। हमारे पास कटिंग ब्लेड आते हैं, उस ब्लेड के माध्यम से आईसीयू को उतारा जाता है, आईसीयू को बिठाया जाता है, या ब्लैक प्रेशर आईसीयू होती है तो उनकी कटिंग करी जाती है। तो वो ब्लेड हमारे पास होने चाहिए जिससे हम आईसीयू को आसानी से उतार सकें। हम लोग आईसीयू उतारने के लिए ट्यूजर का ही सहारा लेते हैं। ट्यूजर में क्या रहता है कि हम लोग थोड़ी सी ताकत लगा देते हैं, लेकिन जब ब्लेड हम लगाते हैं तो ब्लेड में ताकत लगती नहीं, वो इतना सॉफ्ट होता है अगर तुम ताकत लगाओगे तो मुड़ जाएगा। तो इसका मतलब होता है वो तभी आईसीयू उतार पाएगा जब आईसीयू बिल्कुल ढीली हो जाएगी, और जब ढीली हो जाएगी तो निकल के बाहर आ जाएगी, और जब बाहर निकल के आ जाएगी तो फिर क्या होगा, उसका बॉल खराब नहीं होगा, प्रिंट डैमेज नहीं होगा, लाइन ब्रेक नहीं होगा। लंबी वाले ब्लेड आती है, लंबे वाले स्मूथली ब्लेड आते हैं जिससे क्या होता है आप ऐसे करोगे तो बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो हमारे पास ब्लेड होने चाहिए। अब उस ब्लेड को ही हम लोग आईसी ओपनर भी कहते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास होना चाहिए पीसीबी स्टैंड होना चाहिए बहुत अच्छा वाला, जिससे हम कभी भी जब आईसी को उठा के लगाएंगे, आईसी को बिठाएंगे, आईसी को निकालेंगे तो कोई भी चीज हिले के ढूलेगी नहीं, बिल्कुल क्या हो जाएगी मजबूत रहेगी। पांचवा नंबर, आपके पास 857 DW प्लस होनी चाहिए। ऑर्डिनेंस कौन सी होनी चाहिए? 857 DW प्लस। इस तरीके की हमारे पास ऑर्डिनेंस भी होने चाहिए। आईसी के लिए भैया का अलग आदर्श। उसके बाद हमारे पास माइक्रो आयरन होती है। माइक्रो आयरन जो रहती है 8 वाट की, हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे 800 वाट की हम लोग माइक्रो आयरन का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात, इसके लगाने के लिए इसमें माइक्रो जम्पर भी आते हैं। एक हमारे पास यूवी ग्लू आता है, ग्रीन कलर का, रेड कलर का, दो कलर में यूवी ग्लू आता है, ताकि अगर कल को कोई बॉल एक बॉल छोड़ जाते तो उस पर अर्धक लगा करके उसको पॉलिश उस पर चढ़ा सकते हैं। यूवी ग्लू से जी हमारे पास डीसी एम्पियर मीटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डीसी एम्पियर मीटर होना चाहिए। तो इस तरीके से यदि आप आईसीयू का काम करेंगे तो आईसीयू का काम करने के लिए हमारे पास इतना सामान होना चाहिए। ये हमारे पास हार्डवेयर करने के लिए सामान चाहिए। अब बात करते हैं हमारे पास सॉफ्टवेयर करने के लिए।
उसके बाद हम बात करते हैं कि यदि हमारे पास कोई मोबाइल फोन आता है जिसमें सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग करने के लिए सबसे पहली बात हमारे पास ये टोकन होना चाहिए। उसके बाद फिर हमारे पास होना चाहिए ओजी डाटा केबल। क्या होना चाहिए? ओजी मतलब ओरिजिनल डाटा केबल होनी चाहिए। ओरिजिनल डाटा केबल होने के बाद इंटरनेट होना चाहिए। यदि हम कभी भी मोबाइल फोन में